नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त दीपेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं विजन हेल्प टिप्स। तो आज का जो विषय है कबूतर के दाने के ऊपर ये वीडियो है। ये गर्मी में कबूतर को कौन सा दाना हम चुगाए कबूतर को, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि क्यों मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि खाने के ऊपर ही कबूतर का डाइजेशन का जो कुछ सवाल होता है, कबूतर में बॉडी का टेम्परेचर उसका सवाल होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कबूतर को क्या दाना दे और क्या दाना नहीं दे, तो इसके ऊपर ही वीडियो है। और जो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर लीजिए। और आप ये अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में मेरा पेज दीपेंदु पिकू, मेरा फेसबुक आईडी है, वो जस्ट फॉलो कर लेना, उसमें भी मैं छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, जे हम कौन सा दाना दे और कौन सा दाना नहीं दे। दोस्तों ये देखिए, ये 4 किलो गेहूं है, ठीक है ना। जो जो मैं चीज डालूंगा मैं दिखाते जाऊंगा, ठीक है भाई। देखिए ये 4 किलो गेहूं है, इसके साथ हम छिलका के साथ जो मसूर आता है ना, मसूर दाल छिलका के साथ वो हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर ले हम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर नाम का कोई दिक्कत है। देखिए ये छिलका के साथ जो मसूर आता है वो है छिलका मसूर, ठीक है ना। ये लगेगा 500, ठीक है। मैं पूरा डाल दिया। तो पहले मैंने क्या डाला, 4 किलो गेहूं डाला, उसके बाद मैं मसूर का दाल मैंने डाला है, ठीक है ना। फिर मैं डालूंगा, इसको डबली बोलते हैं कलकत्ता में, डबली, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। इसको डबली बोलते हैं, ये हरा मटर कोई भी बोल सकता है, बोलता है। आप ये हरा मटर आप ले लेना 1 किलो, ठीक है भाई। तो 1 किलो हरा मटर आप ले लेना, ठीक है ना। और चाहिए आपको ये 250 ग्राम चावल लेना है, नॉर्मल नहीं, ये जो खीर होता है गोविंदभोग राइस होता है इसको बोलते हैं, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है ना। ये गोविंदभोग राइस है, ये चाहिए 250 ग्राम, ठीक है, ये चाहिए 250 ग्राम। इसे देने से क्या होगा, कबूतर का जो टेम्परेचर है ना वो एकदम सही तरीके से रहेगा, ठीक है ना। और ये देखिए, इसको बोलते हैं सफोला सीड, कुसुम का बीज है ये, ठीक है। तो ये लगेगा 500, ठीक है ना। ये कुसुम का जो सीड है ये लगेगा 500, ठीक है ना। और आखिर में मैं दिखाऊंगा एक तो चीज मैंने लिया है वो लगेगा। देखिए ये है उड़द का दाल है, मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। ये उड़द दाल है, तो बंगाली में इसको बुलुट दाल बोले, ठीक है। तो ये उड़द का दाल है, इसका देने से क्या होगा, कबूतर का जो बदन का जो टेम्परेचर है वो सही रहेगा इस दाल से, ठीक है। इसको लगेगा 200 ग्राम, ठीक है, ये लगेगा 200 ग्राम। और ये तो आपको सभी को मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, ये है हरा मूंग, जो तड़का का दाल बोलते हैं, हरा मूंग है ये, ठीक है। ये लगेगा 200 ग्राम, ठीक है, ये लगेगा 200 ग्राम, ज्यादा नहीं देना, ये गर्मी के लिए, ठीक है। इसको देना है 200 ग्राम, इससे ज्यादा आप मत देना, ठीक है। और लगेगा आपका, देखिए ये
माइलो। आपको पता है ये क्या है? ये माइलो से है, ज्वार बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो माइलो लगेगा 3 किलो। आप देख लेना मैं क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से इसके दाने, पहले दाना लिख लेना, उसके बाद क्वांटिटी है वो लिख लेना, ठीक है। देखिए मैंने दे दिया है 3 किलो ज्वार, ठीक है ना। और लगेगा बाजरा, लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बाजरा लगेगा। देखिए ये मल्टी सोर्स का एक अच्छा फूड है बाजरा, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं देना है इसको, 500 तक ही देना है, ठीक है। इसको 500 से ज्यादा गर्मी के मौसम में यूज मत करना ये, क्योंकि ये मल्टी विटामिन का सोर्स है। तो इसको ज्यादा देने से कबूतर का बदन गर्मी में आ जाएगा, ठीक है ना। इसे 500 के ज्यादा आप मत देना, ठीक है ना। आप थोड़ा सा रागी भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। देखिए मैं 200 ग्राम में रागी दूंगा, ठीक है, मैं 200 ग्राम रागी दूंगा, क्योंकि मेरा कबूतर का फेवरेट है ये खावा है। तो मैं थोड़ा सा मैं रागी दूंगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं रागी दूंगा। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते आप नहीं भी दे सकते, ठीक है ना। हो गया। और चीज है ये, देखिए ये आप देख लीजिए, इसका सीट का नाम है तारामीरा सीट, ठीक है ना। इसको कैसे मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखिए ये सीट है तारामीरा सीट है, ठीक है, ये है तारामीरा सीट। तो ये लगेगा 500 ग्राम। इस ये क्या है, ये है एक फूड है एनिमल के लिए है, जो इसको देने से मैं 250 ग्राम दूंगा, 500 ग्राम नहीं दूंगा, ठीक है ना, मैं 250 ग्राम दूंगा। ये 500 का है, मैं 250 दे दिया है। तो ये है एक एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर मात्रा में है इसमें, इस दाने में, ठीक है ना। इसीलिए गर्मी के लिए एंटीऑक्सीडेंट देना बहुत ही जरूरत है, तो इसीलिए मैंने ये दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये दिया है एंटीऑक्सीडेंट वाला ये फूड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तारामीरा सीट। आपको मिल जाएगा ये सीट फ्लिपकार्ट में, आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट में आपको ये मिल जाएगा। मैं ये मिला लेता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं मिला लेता हूँ। देखिए मैं कबूतर के लिए बनाया, मेरे कबूतर के लिए, मैं ये दाना अलग भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो दिखाता हूँ वही मैं करता हूँ मेरे कबूतर के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो यही तक था दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो में ले आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अब तक यही तक था, राम राम, जय हिंद, जय भारत।